मन संतोष सुनत कभी बानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निधाना। चलेऊ नाई सिरु पैथेऊ बागा, फल खायसी तरु तौरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरित मानस पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊँ पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में भारी संदेह होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तो कल तक यहाँ तक था। जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, शुभ कार्य है ये, और आप लोग इसमें मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें और उनसे करवाएँ भी बोल करके। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं और शेयर भी अवश्य कीजिए। जब पाठ सुनने से पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा अवश्य बताएं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तब कल तक तो आपने जान लिया कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि सीता जी हनुमान संवाद है और उसके बाद शरीर अपना बड़ा करते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं कि हम वानर कितने बलवान हैं। इसके आगे, तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं,
हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आगे दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हेतात। श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ एक ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार डाला। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठाकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र के आगे उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार गिर डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध करके ले आया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधवा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए मतलब तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य उसका कुछ कहा नहीं जाता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की ओर भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। निशंक मतलब कि निर्भय रहते हैं, बिना डरे हुए रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा कि रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश गानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दर्शी ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र सुख
हनों वाले शिव जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेशमात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, को मार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब उसके आगे का वर्णन हम कल सुनाएंगे। और कल तक के लिए आगे दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।